केला लाने के 2-3 दिन बाद से ही ना केले की हालत ऐसे होने लगती है कि इसे जल्द से जल्द खत्म कराना मजबूरी बन जाती है। पर अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हम इसे कुछ टेस्टी भी बना सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 3 केले के साथ आधा कप चीनी और आधा कप दूध डालकर इसे मिक्सी में घुमा लिया है। फिर आधा आधा कप चीनी और दूध के साथ मैंने आधा कप आटा भी ले लिया है, पर आधा कप आटा को भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा थोड़ा आटा डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक इसका गाढ़ापन ना कुछ इस तरह का ना हो जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। ये दोनों को मिला कर ना हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। फिर 5 से 10 मिनट बाद ना तेल को मीडियम गर्म करके हमें इसे हाथों की मदद से तेल में डाल देना है। फिर इसे पलट पलट कर पका लेना है और आखिर में ये जब कुछ इस तरह से पक जाए तब इसे निकाल लेना है।